तो हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनजी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी कुछ पुरानी यादें, जब मैं नया नया बेंगलोर में आया था तो हम लोग कहां पर रहते थे और कैसा रूम था हमारा, और जब पानी नहीं आता तो हम लोग पानी कहां से लेकर आते थे, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पीछे का तालाब आपको शायद अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत धूप है अभी। तो मैं अभी इसे पीछे का कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये अभी जो है कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ये तालाब पहले जो है कि बहुत ही ज़्यादा कचरा हुआ करता था, इधर से जाने के लिए मुंह पे रुमाल रख के जाना पड़ता था, इतना बदबू इतना कचरा था इसमें। यहाँ के मैं बता दूँ आपको कि यहाँ जो है कि मार्केट की सारी जो ये मुर्गियाँ का और सभी ये सारे इसमें लाकर फेंका करते थे, जिसके वजह से काफ़ी बदबू आता था। और अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा अभी लग रहा है। और आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉकिंग के लिए कितना अच्छा बनाया गया है, सुबह शाम आदमी आकर वॉकिंग कर सकता है। और अभी लगभग यहाँ का आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है, अभी 4 बज रहा है। ये अंजनापुरा है और मैं अंजनापुरा में ही रहता था। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको अपना रूम, हम कहाँ पे रहते थे, कैसा रूम था और जब पानी नहीं आता था तो हम लोग पानी कहाँ से लेकर आते थे, कितना हम लोग कष्ट उठाए हैं पहले स्टार्टिंग में जब आए थे। तो आप खुद देख सकते हैं, दोस्तों काफ़ी अच्छा बन गया है तालाब और इसको साफ करने में काफ़ी टाइम भी लगा है क्योंकि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा घास वगैरह हुआ करता था, तो इसमें जो है कि नाव प्रॉपर डेली चलता था इसको साफ़ सफाई करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं खुद। तो चले चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको अपना रूम जहाँ पर रहते थे। तो दोस्तों, अभी यहाँ से रूम काफ़ी दूर है तो अभी हम घूमकर जा रहे हैं, ये अपना रूट है और इसे घूमते घूमते मुझे अभी 1/2 किलोमीटर तक जाना है, फिर जाकर हमारा रूम दिखाई देगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है और लोग अभी टहल रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ हम पहले रहा करते थे और यहाँ पे जो है कि पहले ये पुल वगैरह कुछ नहीं था और इतना साफ़ सफाई नहीं था, आप देख सकते हैं पहले ये पूरा पानी पानी था, हम लोग का रूम तक पानी चला जाता था बारिश में। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको जहाँ से हम लोग पानी भरा करते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वही इनार है जहाँ से हम लोग पानी भर के नहाया करते थे और देख सकते हो दोस्तों काफ़ी कचरा हुआ है अभी, पहले हम लोग इसी पानी से नहाते थे जब पानी नहीं आता था तो, और बर्तन भी इसी पानी से धोया करते थे। अभी आप देख सकते हो काफ़ी इधर में कचरा छुड़ा है और पानी भी बहुत गंदा है। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा होगा सीट का घर, हम लोग इसी में रहा करते थे, काफ़ी पुराना है और काफ़ी जो है कि कम भाड़ा था। तो चलिए चलते हैं पास से दिखाते हैं आपको, यही घर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यही गली है, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का रूम था पहले, आप देख सकते हो इसी रूम में हम लोग रहा करते थे पहले। ठीक ठाक था, इतना भी ख़राब नहीं था, काफ़ी ठीक ठाक था। यहीं पे हम लोग 1 साल रहे हैं, उसके बाद से जो है कि इधर उधर साइड पे घूमने लगे।
दोस्तों ये जो है मेन रोड है और इधर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों हम लोगों का रूम, आप देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं जो है कि अपने रूम पे। हमारा रूम अभी जो है कि अलोहली में है और ये जो है कि अंजनापुरा है। पहले हम लोग अंजनापुरा में रहा करते थे, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी का ब्लॉग हम इसी पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में।